छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा हर माह की तरह इस माह भी सेवाग्राम में एक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र परीक्षण शिविर के दौरान कई लोगों को इसका लाभ मिला। सोमवार को आयोजित हुए इस नेत्र शिविर में चित्रकूट से आई विशेषज्ञों की टीम ने 222 मरीजों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिए। इसके साथ ही मरीजों को निःशुल्क चश्मे, दवा का वितरण भी किया गया। जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी कराई गई। शिविर के व्यवस्थापक सुरेश बाबू खरे ने बताया कि यह शिविर हर माह की 19 तारीख को लगाया जाता है। इस शिविर में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में पूरी टीम आई, जिससे कई मरीजों को लाभ हुआ। किस तरह का कैंप कहां पर आयोजित हो रहा है? ये आज सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सेवाग्राम माननीय विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा विगत 6 माह से लगातार हर महीने की 19 तारीख को आयोजित हो रहा है और प्रत्येक माह सैकड़ों लोगों को नेत्र ज्योति का लाभ मिल रहा है। ऑपरेशन निःशुल्क हो रहे हैं, लेंस प्रत्यारोपण भी निःशुल्क है, दवाइयाँ निःशुल्क हैं, आने जाने का खर्च भी निःशुल्क है, सभी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध मान। आज कितने पेशेंट देखे गए? आज लगभग 222 के पंजीयन अभी तक हो चुके हैं और 17 लोग ऑपरेशन के लिए अभी तक चयनित हो चुके हैं। वो हम कैंप में अपनी माता राम को ले गए थे और 5-6 मरीज लेके आए थे। चाचा जी के यहाँ आए से पहले भोजन कराया हमने, आधार कार्ड चढ़वाओ फिर भोजन करिए, 1 रुपये में टनाटन भोजन मिलती है। और विधायक जी की सुविधा इतनी, पजन चाचा की सुविधा वाह है कि जितने भी आदमी यहाँ आते हर महीना लगती है लगत कैंप, तो विधायक जी के जो है सुविधा है कि दवाई चश्मा फ्री, 1 रुपया नहीं लेते हैं, बिल्कुल निर्णय चलो बिल्कुल। आपका कहाँ से आई आप? हम कैंप लगा हुआ है, यहाँ अच्छी व्यवस्था है और इलाज भी अच्छा होता है यहाँ पे, इसीलिए हम लगाए हैं। आपका? अरविंद मिश्रा। अरविंद भैया, कितने लोगों को देखा गया है, किसके द्वारा कैंप? 220 मरीजों का चेकअप हो चुका है सुबह 9 बजे से अभी तक और लगभग 20 लोगों को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किया गया है, जो जिनको हम लोग चित्रकूट ले जाएंगे अपने वाहन। किस संस्था के द्वारा? सद्गुरु सेवा संकोप चित्रकूट।